बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस, आज का इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप लोग ट्रॉली पे जेसीबी को चढ़ा सकते हो और कैसे न्यू ऑपरेटर, मैं आप लोग को बता दूं कैसे जो नया ऑपरेटर है वो भाई कैसे जेसीबी मशीन को ट्रॉली पे चढ़ा सकते हैं, यानी कि जो ट्रक होता है उस पे लोड करके कैसे कहीं पे आप लेके जा सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना ताकि मेरा आने वाला न्यू वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार का अगर वीडियो मेरे पास अगर भेजना चाहते हो, जैसे जेसीबी से रिलेटेड वीडियो अगर आप मेरे पास भेजना चाहते हो, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हो, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर दो, यही 89 रुपये या इसी के आसपास में आपका ज्वाइन होगा। तो ज्वाइन करने से आपको डबल फायदा होने वाला, आपको न्यू वीडियो मिलेगा और एक से एक नॉलेजेबल वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैं खास करके यह वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो भाई नया ऑपरेटर नए नए मशीन सीख करके मशीन पे चांस मार करके गए हैं और कहीं पे अगर ट्रक पे जेसीबी को लोड करना रहता है तो आप कैसे लोड कर सकते हो, आपको इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में ना टाइम ले तो वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले मैं बता दूँ मशीन को आगे लेके चलना है, जैसे आप मशीन को आगे लेके जाते हो लोडर को बिल्कुल सेफ तरीका से लगाना है सीधा से, ठीक है गाइस, बिल्कुल पोजीशन पे लगाना है और उसके बाद लोडर को दबाना है नीचे, तो आपका इंजन जो है ऊपर उठेगा, ठीक है। जैसे ही आपका इंजन उठ जाता है उसके बाद आपको सीट को बैक साइड घुमाना है, जैसे ही आप सीट को बैक साइड घुमाते हो, ठीक है, पूरा स्टेबलाइजर को उठा लेना है। जैसे ही आप पूरा स्टेबलाइजर को उठाते हो मशीन आपको आधे तक उठ जाएगा, जब आप ट्रक पे लोडिंग करते हो उस टाइम। उसके बाद आपको सीट को फोल्डिंग करके आपको इस तरफ आ जाना है, ठीक है गाइस, सीट को घुमा देना है। जैसे ही आप घुमाते हो उसके बाद नंबर आता है बूम का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि बूम को खोल दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बूम लगाना है। जैसे ही आप बूम लगाते हो आपको बूम पे दबाव डाल के मशीन को और ऊंचा उठाना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे गाइस नए ऑपरेटर ज़रूर देखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बूम को उठा लेना है दबा करके और लोडर को एक साथ और बूम को एक साथ धक्का देना है, ताकि गाइस लोडर का बकेट भी लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पीच था, जो रोड था रोड टूट जाता इसलिए नहीं लगाया है। तो गाइस आपको मैं बता दूं लोडर को जैसे जैसे यहाँ पे प्रेस करना है, लोडर को खोलना है और उधर बूम को धक्का देना है, तो आपको मशीन आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं गाइस इसने पे आपको कुछ नहीं करना, लोडर को उठा लेना है, फिर से लोडर को उसी तरीके से लगाना है, बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे बकेट को बंद करके यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप उस पे लगाते हो उसके बाद बूम को वहाँ से उठा करके आगे कर लेना है। जैसे ही आप आगे करोगे आपको फिर से बूम पे दबाव देना है, जैसे ही आप दबाव देते हो देखो जैसे ही दबाव देगा मशीन ऊपर उठेगा और हौली हौली मशीन को धक्का देते चले जाना है। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो जितना आप लोग समझ रहे हो उतना ये कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो भाई नहीं किया है उसके लिए बहुत भारी लगता होगा, तो बिल्कुल वैसा नहीं है गाइस। देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे हौली हौली लगाना है, और गाइस जब तक मशीन चढ़ ना जाए जब तक आपको स्टेबलाइजर को बंद नहीं करना है, यानी कि स्टेबलाइजर उठाना नहीं है, उसको गिरे ही रहने देना। जब चारों चक्का चढ़ जाता है उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मैं बता दूँ उसके बाद अब स्टेबलाइजर को ऊपर कर लेना है और मशीन को आगे बढ़ाना है। मैं जानकारी के तौर पर मैं आपको बता दूँ यह जो वीडियो है एक वीडियो है जेसीबी ट्रैक्टर लोवर के नाम से चैनल है। तो गाइस इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितने मेरे सब्सक्राइबर हो सभी सब्सक्राइब करें। और ये जो भाई जी जो है विकास पाटिल है और इसके चैनल पे, और ये जो ऑनर है बहुत ही मस्त ऑनर है, मैं यहाँ पर रह करके आ चुका हूँ। तो गाइस इन्हीं का चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो ऑपरेटर भाई है जो हेल्पर भाई है उसको वीडियो से नॉलेज मिले और कैसे जेसीबी को ट्रक पे ट्रक चढ़ाया जाता है उससे आपको नॉलेज मिल जाए। गाइस मैं जानकारी के तौर पे मैं बता दूं कि कौन सा चैनल है, मैं आपको यहाँ पे लोगों का मैं सीन दे देता हूँ, जेसीबी ट्रैक्टर लोवर के नाम से चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और देखिए नॉलेजवल फुल वीडियो। और गाइस जो आदमी इस चैनल को हैंडल करता है उसका नाम है विकास पाटिल, बहुत ही दिल का साफ आदमी, क्योंकि मैं यहाँ से रह कर आ चुका हूँ जो कि रहने वाला है यमुनापुरी का, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक अपना वीडियो था गाइस, मैं फिर से बता दूँ जेसीबी ट्रैक्टर लोवर के नाम से चैनल है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिले और आप लोगों के बीच ऐसा ऐसा वीडियो कंटेंट लेके आए, ठीक है गाइस। तो गाइस प्लीज़ इनका मैं चैनल का नाम और लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर इसे सपोर्ट कीजिए गाइस, आप लोगों को दिल से धन्यवाद रहेगा आप लोगों को सपोर्ट।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रक पे जेसीबी मशीन को आप लोड कर सकते हो, इसके बारे में आपको मैं बताया था। तो किस तरीके से लोड किया जाता है मैं फुल वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, फुल प्रोसेस के साथ बताया हूँ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए, उससे हम लोगों को मोटिवेशन होगा कि हाँ यार मेरा वीडियो सही जा रहा है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वो भाई नए नए मशीन सीख रहे हैं उसके पास जाएगा। तो गाइस इसके लिए आप लोग फटाफट जल्दी से शेयर कर दो। यहाँ तक अपना वीडियो था, जय हिंद।